हाँ प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृताय। नैतिक मूल्यानि नामक पाठ का ये भाग देखते हैं। कदाचित एवमपि दृश्यते यत समाजे प्रचलित ऋणी समेषां कृते हितकारी न भवति। कदाचित इस प्रकार दिखाई देता है कि समाज में प्रचलित ऋणिवादिता इसके लिए हितकारी नहीं होता है, नैतिकता के लिए। अतः प्रबुद्धा विद्वांस तस्या ऋणे विरोधम अपि कुर्वन्ति। इसलिए प्रबुद्ध विद्वान उस रूढ़ी का विरोध भी करते हैं। परम तय आचरणस्य व्यवहारे नवीन आदर्श स्थाप्यते। परंतु उन लोगों के द्वारा आचरण के व्यवहार के में आचरण के व्यवहार में नए आदर्श स्थापित किए जाते हैं। यह कालांतरे समाजस्य हित कृते हितकर भवति। यह माने जो होता है कालांतर में समाज के लिए हितकारी होता है। एवं सदा सदाचरणेन अपि परिवर्तनम दृश्यते। इस प्रकार सदाचरण में सदाचार में परिवर्तन दिखाई देता है। परम वस्तुतः यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति, परंतु वास्तव में नैतिक मूल्यान ही हैं। तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। यथा धर्म सनातनो धर्म न परिवर्तते। जिस प्रकार सनातन धर्म नहीं परिवर्तित होता है, तथा नैतिक मूल्यान्यपि स्थिराणि एव। तथा नैतिक मूल्य स्थिर ही हैं। एवं धर्मे नीतौ च दृढ़ीयान। इस प्रकार धर्म में भी नीति, धर्म में और नीति में दृढ़ीयान मजबूती के साथ संबंधो दृश्यते, संबंध दिखाई देता है। इसमें फिर से देख लेते हैं। इस प्रकार धर्म में और नीति में मजबूत संबंध दिखाई देता है। परम द्वयो भेदो अपि वर्तते, परंतु दोनों में भेद भी है या भेद भी होता है। धर्म शब्द व्यापक अस्ति, धर्म शब्द व्यापक है। नीतिस्तु व्याप्या धर्मे एव विलीयते। नीति व्यापक होते हुए भी धर्म में ही विलीन हो जाती है। क्षमा कीजिएगा। यानी अवश्य करणीयानि कर्तव्यानि यही पुण्यानि न उपलभ्यन्ते तेषामपि गणना धर्मे कृता महर्षि भी धर्माचार्य। अब यहाँ से इसको देखते हैं, ये कर्ता इनका है। महर्षि भी धर्माचार्य यानी महर्षियों के द्वारा और धर्माचार्यों के द्वारा धर्म की गणना की गई है। क्या गणना की गई है कि जो आवश्यक कर्तव्य हैं, जिनके द्वारा पुण्य नहीं उपलब्ध होते हैं, वे भी धर्म में गणना किया गया है। फिर से देख लेते हैं, इसको ध्यान से समझिए। भारत के प्राचीन महर्षियों और धर्माचार्यों के द्वारा जिन आवश्यक करणीय कर्तव्य जिसके द्वारा पुण्य नहीं उपलब्ध होता है, उन्हें भी धर्म में ही गणना किया गया है। नीति लौकिकम कल्याणम कुरते। नीति लौकिक कल्याण करती है, यानी भौतिक जगत में नीति कल्याण करती है। धर्मस्तु लौकिकम पर लौकिकंच कल्याणम कुरते। अस्तु धर्म लौकिक और परलौकिक दोनों कल्याण करता है। उभयो कुत्रापि सांकर्यम अपि प्राप्यते। दोनों में कहीं भी मिश्रण प्राप्त होता है, यानी नीति में और धर्म में दोनों में कहीं कहीं मिश्रण प्राप्त होता है। धर्म अलौकिकीं शक्तिं प्रकटयति। धर्म अलौकिक शक्ति प्रकट करता है। स मुक्ते मार्गम अपि प्रशस्तम करोति।
धर्म अलौकिक शक्ति प्रकट करता है, वह मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। परलोकम अपि प्रदर्शयति कल्पयति च, परलोक की भी प्रस्तुति और कल्पना करता है। नीति लौकिकम हितम साधयति, नीति लौकिक हित को साधती है। परम नीति धर्मयो साचर्य सर्वैरेव स्वीक्रियते, परंतु नीति और धर्म के साथ, नीति और धर्म के साथ सभी इस प्रकार स्वीकार करते हैं, यानी नीति और धर्म दोनों एक साथ है, ऐसा सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। आगे देखते हैं, दार्शनिकैः धर्माचार्यैः पौराणिकैश्च धर्म परिभाषित यथा, दार्शनिकों और धर्माचार्यों और पौराणिकों के द्वारा धर्म को परिभाषित किया गया है कि यतो अभ्युदयानि श्रेयस सिद्धि, यतो मने जहाँ अभ्युदयानि मने अभ्युदय में, उत्कर्ष में जो श्रेयस्कर है वही सिद्ध, जो साधन श्रेयस्कर है वह धर्म है, यानी जिस साधन से या जिस क्रियाविधि के द्वारा श्रेयस्कर सिद्धि प्राप्त करते हुए अपना अभ्युदय किया जाए वह धर्म है। यतः यस्मात् कर्मणः इह लोके कल्याणं जायते, जिससे या जिस कर्म से इस संसार में कल्याण को प्राप्त हो जाया जाए, परत्र परलोके च शोभनम स्थानम जनय लभ्यते, और दूसरी ओर परलोक में भी शोभनीय स्थान लोगों को प्राप्त हो सके। नरका पातो न भवेत, नरक में जाना न हो, एन सधर्म वही धर्म है। एवं महाभारते ध्रियते धर्म धारणा धारणार्धम यतः धारयते प्रजा, धर्मशास्त्रकारेण मनुना मनु स्मृतौ दस स्वरूपको धर्म उप वर्णित। अब देखते हैं फिर से इसको ऊपर से, कहते हैं कि इस यानी नरक में नहीं गिरना हो, जिससे वह धर्म है। इस प्रकार महाभारत में लिखा है क्या कि ध्रियते धर्म, धारण करना ही धर्म है। धारण करने योग्य जो है, जिसको प्रजा धारण करती है वह धर्म कहलाता है। धर्म शास्त्र कारेण मनुना, यानी धर्मशास्त्र के रचनाकार मनु ने मनु स्मृति में दस स्वरूप वाला धर्म उपवर्णित है, यानी मनु स्मृति में मनु के द्वारा दस रूपों वाला धर्म वर्णित किया गया है, कि धर्म के दस रूप बताए हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह देवेद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति माने धैर्य, क्षमा दूसरों के गलतियों को क्षमा करना, दमो यानी दम अर्थात अहंकार का, और इन इच्छाओं को दबाना, अस्ते मने चोरी न करना, शौचम मने शुद्धता, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर रखना वह इंद्रिय निग्रह कहलाता है। धी मने बुद्धि, विद्या सत्य और अक्रोध, दशकम दस धर्म के लक्षण बताए गए हैं। इत्यम धर्माचरणे नैतिकता चरणे च सांकर्यम उपलभ्यते, इस प्रकार धर्म के आचरण में और नैतिकता के आचरण में सांकर्य उपलब्ध होता है। सांकर्य माने मिश्रण, यानी धर्म के आचरण में और नैतिकता के आचरण में एक दूसरे में मिश्रण है। तीर्थाटनम पावनासु नदीसु स्नानम यजनम याजनम गुरु सेवा मातृ पितृ सेवा संध्या वंदनम षोडश संस्कारा एते मुख्य रूपेण धर्म पद वाच्या,
तीर्थाटनों में घूमना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदन और 16 संस्कार, ये मुख्य रूप से धर्म की धर्म के पद पर वाच्य मतलब धर्म के पद पर आसित है, यानी ये धर्म है। एषु कर्मसु नीते मिश्रणम नास्ति, इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है। अतः धर्मो व्यापक, इसलिए धर्म व्यापक है। धृति दया सहिष्णुता सत्य परोपकाराद्य आचरणेषु द्वयो सांकर्यम अस्ति, इसलिए धर्म व्यापक है। धृति मन धैर्य, दया सहिष्णुता और सत्य तथा परोपकार जैसे आचरण में दोनों का मिश्रण है। परम एतत् निश्चयम् यत् द्वयो आचरणेन लोकस्य परमं कल्याणं जायते एव, परंतु यह निश्चित है कि दोनों के आचरण से संसार का परम कल्याण हो जाता है या परम कल्याण हो ही जाता है। यानी निश्चयात्मक रूप से एव शब्द लिखा है यहाँ पर कि दोनों के आचरण, धर्म और नीति का आचरण करने से दोनों का कल्याण हो जाता है। किसका किसका कल्याण होता है? लोकस्य यानी संसार का, और जो व्यक्ति नीति का आचरण करता है उसका। नीतिकाराणां मते इमे नैतिकता या गुणा, नीतिकारों के मत से इसमें नैतिकता के गुण हैं, जैसे यथा जीव हिंसा या विरक्ति, जीवों की उत्पीड़ना से विरक्ति हो जाए, यानी जीवों पर दया आवे, जीव हिंसा लोग न करें। जीव हिंसा या विरक्ति यानी जीवों की हिंसा से विरक्ति। पर धनापहरणानि निवृत्ति, यानी दूसरों के धन को अपहरण करने से निवृत्ति, यानी दूसरे के धन को चुराने से निवृत्ति हो जाए। सत्य भाषणम सत्य बोलना, पैशून्यात निवृत्ति, और देखा जाए पैशून्यात निवृत्ति यानी चुगुलखोरी से निवृत्ति हो जाए। सतपात्रेभ्य दीनेभ्यश्च दानम, सत्य पात्र को और गरीब को दान। अति लोभात विस्तृणा, और अत्यधिक लोभ से यानी अत्यधिक लोभ रूपी प्यास से मुक्ति। दया सहिष्णुता परोपकार, गुरुजने स्वानुराग, गुरुजनों के प्रति प्रेम, श्रद्धा विनयशीलता च, और विनयशीलता, ये क्या है? ये नैतिकता के गुण हैं। अन्य अनुसेक आतिथ्यम न्यायवृत्ति पर गुणेभ्य ईर्ष्या भाव, अनुत्सेकी होना और आतिथ्यम अतिथि की सेवा करना, न्यायवृत्ति यानी न्याय का स्वभाव यानी न्याय पसंद या न्याय करने वाला स्वभाव। पर गुणेभ्य दूसरे के गुणों से ईर्ष्या का अभाव। सत्संगानुरक्ति सत्संग में अनुरक्ति, दुष्ट संगानिवृत्ति दुष्ट संगों से निवृत्ति। विपत्ति धैर्यम विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय क्षमा अभ्युदय में क्षमा। सदसी वाक्पटुता, और हाजिर जवाब यानी तुरंत बोलने में चतुर होना। समयस्य सदुपयोग समय का सदुपयोग, इत्यादयः नैतिकताचारा, इत्यादि नैतिकता के आचरण हैं। एषाम आचरणे नैव व्यक्ते, इसे ऐसे आचरण से ही व्यक्ति का, समाजस्य समाज का, राष्ट्रस्य राष्ट्र का, विश्वस्य विश्व का। अच्छा को भीतर डाल देंगे और यानी फिर से देख लेते हैं। ऐसे ही आचरण से ही व्यक्ति समाज राष्ट्र और विश्व का सर्वथा कल्याण, कल्याणम यानी सर्वथा कल्याणम संपद्यते यानी सर्वथा कल्याण हो जाता है। इसी के साथ नैतिक मूल्याणी नामक पाठ आज समाप्त होता है। धन्यवाद।